नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम शिवान यूट्यूब चैनल के इस क्लास में। आज इस क्लास में आप लोगों को मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ यूनिट 1 से रिलेटेड, यानी कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर से पूछे ही नहीं जाएंगे, उनका क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएगा मेरे ब्लॉग पे, जो है ब्लॉग है epmsivan.blogspot.com, epmsivan.blogspot.com जब सर्च कीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, इसमें आप सभी टॉपिक्स का जो है क्वेश्चन एंड आंसर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको सभी यूनिट्स से मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है क्लिक फॉर आंसर, यानी कि जितने हैं क्वेश्चन सबके आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, यहाँ से बढ़ते जाइए 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। और फिर योग के प्रकार का वर्णन करें, अष्टांग योग का वर्णन करें, संस्कृति का शिक्षा से परस्पर संबंध, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर ये 31 हो गया, फिर आपका यूनिट 3 स्टार्ट होता है। तो ये आपका है जचने वाला एक दयालु शिक्षक, यूनिट 3 का नाम है। प्रगति से आप क्या समझते हैं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, सामाजिक प्रगति की सहायता परिस्थितियों का वर्णन करें, यानी कि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी प्रश्न के उत्तर भी दिए हुए हैं 42 क्वेश्चन से EPC 4 से। आप जो है EPC 4 के EPC 1, 2, 3, 4 साथ ही BEd के जितने भी पेपर कोड हैं सबके नोट्स टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे हमारे इस ब्लॉग पे। ब्लॉग पे जाना है epmsivan.blogspot.com, ठीक है, और सिर्फ epmsivan भी सर्च कीजिएगा तो नीचे में एक या दो नंबर पे आएगा epmsivan.blogspot.com, वहाँ से आप सर्च करके जो है सर्च बटन होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे। मान लीजिए कि आप गूगल में गए, नए पेज पे जाएंगे, जैसे ये आपका क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, इसमें आप सर्च करते हैं EPMSivan, ठीक है, बस EPMSivan सर्च किए, ये EPMSivan.com आ रहा है, इस पर नहीं आपको जाना है, यहाँ आना है आपको EPMSivan.blogspot.com, ये जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो खुल के आएगा आपके सामने, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ आपको एक आत्मा को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, ये है। अब आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च बटन में अगर आपको जो भी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको C1 का चाहिए, ठीक है, C1 सर्च करते हैं तो C1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, यानी कि C1 है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, डाल दीजिए चाइल्डहुड, ठीक है, सर्च कीजिए, सिर्फ चाइल्डहुड डाले हैं, सर्च कर रहे हैं, देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं इस पर वो सब आपके सामने यहाँ आ गए। तो C1, C2, C3, ठीक है, इन सब से रिलेटेड आप जो है हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कि बचपन लिख दिए, बचपन, ठीक है, हिंदी में, तो बचपन हिंदी में सर्च कीजिएगा, हिंदी ब्लॉग है, हिंदी में ही ज़्यादा टाइप करके सर्च कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करें, यहाँ तो दिख रहा ना ये सारे चीज़। अब इसको आप जब ओपन कीजिएगा तो इसमें ऐतिहासिक और समकालिक परिप्रेक्ष्य है ये, ठीक है, यहाँ आपको सभी टॉपिक्स बचपन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मिल जाएंगे, DLED के भी मिल जाएंगे, ठीक है, DLED और BEd में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, तो आप जो है ऐसे सर्च करके और फिर रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा, रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे ये इसको हटाना होगा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये जो है अवधारणा है, एकदम पूरा आपको ऐसे विस्तार से नोट्स मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के लिंक में आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर
देख सकते हैं, गूगल में सर्च कीजिएगा epmsivan.blogspot.com तो भी आप जाकर यहाँ सर्च बटन ये दिख रहा है ना यहाँ पे, यहीं पे आपको जो भी टाइप करना है और सर्च कर लेना है। धन्यवाद।